हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मूली का पराठा बता रही हूँ एकदम डिफरेंट स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करें। एक कटोरी में मूली ली हूँ कद्दूकस किया हुआ, उसमें एक बाउल छोटा सा चावल का आटा ली, फाइन पेस्ट रहेगा चावल, एक कप जितना बड़ा कप कटोरी रहेगा उससे छोटा रहेगा कप का आटा, लगभग 3 से 4 चम्मच आटा रहेगा, 2 टीस्पून सूजी रहेगा, अंडा इसमें फोड़ के डालेंगे। ये एकदम डिफरेंट स्टाइल में बता रही हूँ, एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है, लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा है। हम इसमें अभी सरका प्याज आने लगा हरा साग, वो लगभग 2 से 3 चम्मच टीस्पून डालेंगे। तिल आता है हरा वाला, वो 1/2 टीस्पून, ये ज़्यादा मत डालिएगा तीखा हो जाएगा। 2 टीस्पून प्याज है और धनिया जितना आपको चाहत हो उस हिसाब से, मैं लगभग 2 टीस्पून ली हूँ, और नमक डालेंगे। हरी मिर्च वाली जो चटनी होती है, पुदीना, धनिया पत्ती और मिर्च लहसुन का, वो डालेंगे लगभग 2 टीस्पून भर के। धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, हल्का सा एकदम चुटकी भर गरम मसाला। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से सूखा मिक्स करने के बाद हम पानी डाल के लिक्विड कर लेंगे, जितना चीरा बनता है उसी उतना ही हमें थिक रखना है ग्रेवी। हमारी ग्रेवी इतना ही थिक रहेगा ताकि अच्छे से हम फैला सके तवा पे। अब तवा गरम करेंगे, 1 टीस्पून इसमें ऑयल पूरा स्प्रे कर लेंगे अच्छे से, ऊपर से अच्छे से तवा फैला लेंगे, और लगभग 1 चम्मच हम भर के इसमें स्प्रेड करेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा, इसे टाइम लगेगा। इस तरह से अपना बैटर एकदम हम फैला लेंगे मीडियम फ्लेम में, 1 से 2 मिनट के लिए हम ढक के वन साइड कुक करेंगे, हम दूसरे साइड पलट देंगे, फिर 1 से 2 मिनट हम ढक के इसमें कुक करेंगे। इस तरह से हमारे एक मूली का पराठा न्यू स्टाइल में बनके तैयार है, और एक मैं बना के दिखाती हूँ। फिर थोड़ा तेल डालेंगे और फिर अपना लगभग 1 से 1.5 चम्मच हम अपना बैटर डालेंगे। बहुत कुछ मूली का पराठा नहीं बनता, आप मेरे स्टाइल में बना के देखें, हेल्दी और टेस्टी। और अभी तो ठंडी में पूरा सब्जी ही बहुत डिफरेंट वेराइटी का सब्जी आता है, आप मूली भी बहुत आता है, आराम से बना सकते हैं इसे। इस तरह से हम किनारे किनारे अपना तेल डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, और फिर ढक के 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। लीजिए, हमारा मूली का हेल्दी और टेस्टी पराठा बन के तैयार एकदम डिफरेंट स्टाइल में। आप इसे लंच बॉक्स या रात के डिनर में भी बना के आराम से खा सकते हैं, एकदम ईजी और हेल्दी। ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।